जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है दोस्तों। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़ जाए और कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल। तो हम आज बात करेंगे इन विचारों की। भगवान मंगलमय हैं, चाहे तुम्हें अच्छा न लगे, पर वे जो कुछ करते हैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए कुछ कहना सुनना हो और कुछ अभाव अभियोग हो तो सच्चे हृदय से, हृदय खोलकर उन्हीं से कहो, किसी दूसरे से कुछ भी आशा मत करो। जगत के लोग तुम्हारे स्वार्थ की बात मन लगाकर कभी नहीं सुनेंगे, वे उसी बात को सुनेंगे, साथ सुनेंगे जो उनके स्वार्थ की हो। तुम उनके सामने अपना दुख रोकर कुछ भी नहीं पाओगे, वे सुनेंगे नहीं, सुनेंगे तो लापरवाही से सुनेंगे। एक भगवान ही ऐसा है जो तुच्छ से तुच्छ जीव के सुख दुखी की बात का ध्यान सुनते हैं, सुनकर उसको सुखी करने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि वे सबके अपने हैं, सबके आत्मा के हैं, सबके हृदय के हैं, सबका सुख दुख उनका अपना ही सुख दुख है। इसमें गीता में भगवान ने कहा है कि मुझको सुहृदय जानते ही शांति मिल जाती है। भगवान की तुम्हारे ममता है, तुम कैसे हो इस बात की भगवान नहीं देखते हैं। वे देखते हैं केवल इस बात को कि उनमें तुम्हारा विश्वास है या नहीं। यदि तुम्हारा उनमें विश्वास भरोसा है तो वे वैसे ही तुम्हारा सहज ही मंगल करेंगे, जैसे स्नेह में माता अपने मेले कुचले मल भरे पुत्र का करती है। भगवान पर पूरा विश्वास भरोसा करने से ही भगवान की सहज कृपा अनुभव होता है। अतः दूसरा और दूसरों की ताकत छोड़ दो, किसी मनुष्य की कृपा की ओर या किसी कार्य विशेष की ललचाई दृष्टि से न देखकर सब और से दृष्टि हटाकर अपनी दृष्टि केवल भगवान अमोघ कृपा की ओर लगा दो। पुकारो, रो उन अपने परम आत्मीय सामने जो किसी अवस्थाएं तुमसे घृणा नहीं करता, कभी किसी बात से भी मन मेला नहीं करके अपराधों को विसारत कर अल्प में ही गुणों पर ही रीत जाते हैं और इसे अमोघ कार्य करते। तुम मनुष्य हो, बुद्धिमान हो, विवेकशील हो, एक छोटा सा पक्षी पपिया सताती जल को छोड़कर प्राण निकलने की अवस्था में भी दूसरा जल नहीं पीता, जल के लिए दूसरी ओर नहीं ताकता, अपनी टेक पर अड़ा रहता है, तब तुम मनुष्य होकर भी क्या इतने गए बीते हो जो स्व समर्थन सर्वज्ञ परम सुहृदय भगवान को छोड़कर इधर उधर ताकते हैं। व्यभिचारिणी हो, उल्टा स्त्रियों की भांति जिस तीस हाथ अपने मन को बेचकर अपनी ओर ललचाए आंखों से देखते हो, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। तुम्हारे ये संसारी बंधु, संसारी पदार्थ, संसारी सुविधाएं तुम्हें समय पर ऐसा धोखा देंगे कि तुम उसे देखकर दंग रह जाओगे और अपनी भूल पर सिर पीट कर पछताओगे, पर उस समय कोई उपाय तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। अभी से चेत जाओ, केवल मात्र भगवान को, भगवान की कृपा को ही लक्ष्य बनाकर अपनी जीवन नौका को उन्हीं के भरोसे छोड़ दो। विहीन कर्मों पर आशा भरोसा रखो, एकमात्र अपने नित्य साथ रहने वाले और साथ देने वाला केवल एक भगवान है, शिव, शिव और शिव। दोस्तों, अगर ये तमाम विचार आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट्स में पहले आप बताएं कि कैसे लगे, और अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।